हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं गांव आया था तो आज अपने खेत में आया था। खेत में बहुत सारे सब्जी हैं मेरे, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा सा ब्लॉग बना दूँ कि मेरे खेत में कौन सा सब्जी होता है। नेनुआ, भिंडी, बहुत सारी चीज़ है, तो मैं सोच रहा कि आपको एक बार दिखाता हूँ कि मेरे खेत में कौन सा सब्जी तैयार होता है। जो कि मेरा घर है बदलापुर, तो बदलापुर और मौर्य रस्ते में हम मौर्य हैं, तो मौर्या क्या क्या खेत में उगाते हैं एक बार आपको दिखाते हैं। तो चलो वीडियो देखो और लास्ट तक वीडियो देखना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करता हूँ वीडियो बनाना। तो ये है बोड़ा, जो कि गांव में इसको बोड़ा बोलते हैं। ये बोड़ा का खेती है, जो कि बहुत सारे बोड़े हैं जो कि ऐसे होते हैं, ऐसे पौधे में फलते हैं बोड़ा। नेक्स्ट ये भिंडी का पौधा, जो कि भिंडी का पौधा ऐसे होता है, बहुत सारे हैं, भिंडी फरा भी है। ये हो गया भिंडी, ये सारे भिंडी के पौधे हैं। नेक्स्ट ये रहा नेनुआ। फ्रेंड्स, ये चुकंदर है, जो कि चुकंदर ऐसा ज़मीन में ऐसे पैदा होता है। और ये कोहड़ा, जो कि सूरत में इसे कद्दू भी बोलते हैं। और ये खीरा का पौधा, और ये रहा खीरा। फ्रेंड्स, ये एक नया चीज़ है जो कि बहुत कम मिलता है, सूरत में मिलता नहीं है ये। ये है खीरबिंजी, गांव में इसे खीरबिंजी बोलते हैं, ऐसा होता है गोल गोल। फ्रेंड्स, ये टमाटर का पौधा है, जो कि पका नहीं है, कच्चा है, तो ऐसे ही होता है कच्चा टमाटर। ये ककड़ी का पौधा, जो कि यहाँ फरा हुआ है, ये रहा ककड़ी। फ्रेंड्स, ये गाजर है, गाजर का पौधा ऐसे होता है, और इसको देखो ज़मीन में होता है ये ऐसे करके, ये देखो गाजर। इसे आप जानते होंगे, ये मिर्ची का पौधा है, ये मिर्ची फरा भी है। फ्रेंड्स, ये कुंडरू है, क्योंकि कुंडरू ऐसे फरता है, ये रहा कुंडरू। और ये बैगन ऐसे फरता है, ये रहा ये बैगन का पौधा। ये पौधा है भिंडी का, जो कि अभी हाल ही में बोया गया है, छोटा पौधा है ये, जो कि अभी बड़ा होगा तो इसमें भिंडी फरेगा। छोटा पौधा है, अभी ये बड़ा होगा तो इसमें भिंडी फरेगा, ये भिंडी का पौधा है। फ्रेंड्स, ये लौकी का फूल है, और लौकी ये फरा हुआ लौकी है, अभी छोटा बच्चा है, अभी बड़ा होता है, एक दो दिनों में बड़ा हो जाता है ये लौकी का पौधा। फ्रेंड्स, ये मूली, क्योंकि ख़राब हो चुका है, बट ये मूली का पौधा ऐसे ही होता है, देख लो। और इसको उचारते हैं तो इसमें मूली निकलता है, जैसे कि देखो ये बड़ा कौन सा, देखो ये रहा ये मूली है, ये देखो लौकी खेत में, ये एक लौकी बहुत बड़ा हो गया है, ये रहा तावड़ा लौकी। तो फ्रेंड, ये हमारा खेत है, और खेत में सारे सब्जी आपको दिखा दिया, जो कि ये हमारे खेत में होता है, और ये हमारा गांव। हमारे मम्मी पापा जो सब्जी तोड़ रहे हैं। ये एक अलग ही पौधा है, जो कि गुवालिंग बोलते हैं, गवार। फ्रेंड्स, ये लंबा वाला ककड़ी, जो कि इतना बड़ा बड़ा फरा हुआ है, देख लो। फ्रेंड्स, ये बैगन का खेती, जो कि देखो मेरे खेत में ऐसे बैगन, लंबा वाला, उसके पहले दिखाया था गोल वाला बैगन। और ये कड़ा पत्ता, जो कि सूरत में सब इसे खाते हैं, गांव में बहुत कम खाते हैं, यहाँ पर मेरे यहाँ तो पेड़ ही है कड़ा पत्ता का पेड़। ये पपीते का पौधा, और इसमें देखो ये पपीता फरा है, और इसे पका भी है, अंदर है ये देखो पका भी। फ्रेंड्स, ये चौड़ाई, जो कि मैं इसके पहले एक ब्लॉग बनाया था चौड़ाई का पराठा, तो देख लो चौड़ाई ऐसे ज़मीन में उगता है। और ये सेम, जो कि सेम का सब्जी बनता है, चोखा बनता है, देखो ये फरा, ये रहा सेम का फूल, ऐसा होता है।
और फ्रेंड्स ये करेला, ये करेले का पौधा और करेला ऐसा उगता है देखो। तो फ्रेंड्स मेरे खेत में जो जो था मैं आपको सब दिखा दिया, और कब से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत गर्मी हो रहा है, जहाँ लग रहा है, तो वीडियो देखना और बताना कमेंट में वीडियो कैसा लगा। तो अभी ब्लॉग समाप्त करता हूँ, बाय बाय।